गाइज यार सेकंड पार्ट में आपका फिर से स्वागत है। ओके गाइज, तो यार सेकंड पार्ट को अब एंजॉय करिएगा बिना स्किप करे। ब्रेक, गाड़ी का जो ब्रेक डांस है वो मौत के कुआ के जस्ट सामने यहाँ पर लगाया गया है, पीछे की साइड यहाँ पर लगा हुआ है। ओके गाइज, यार इस बार जो नुमाइश के अंदर वो जो किया गया मॉडिफिकेशन वो ये किया गया है, पीछे की साइड जो है यहाँ पर पहले ये बाउंड्रीज नहीं थी, मतलब ये यहाँ से खुला हुआ था, कोई भी आ सकता था कोई भी जा सकता था। लेकिन इस बार जो इसमें मॉडिफिकेशन किया है वो ये किया है कि यहाँ पर जो है बाउंड्रीज लगा दी हैं और प्लास्टर करके उन पर जो है पेंट कर दिया गया है। ओके, ताकि कोई भी भीड़ भाड़ वगैरह ना हो और यहाँ पर जो है गेट लगाए गए, गेट में से एंट्री होगी और यहीं से आप लोग एग्जिस्ट कर सकते हो। ओके, अभी चलते हैं आगे की साइड, बहुत कुछ यहाँ पर सेटअप हो रहा है। और गाइज यार यहाँ पर जो है ब्रेक डांस के जस्ट सामने यहाँ पर जो तैयारी चल रही है वो उसकी चल रही है। यहाँ पर जो है ये हथौड़ा, हथौड़े के अंदर बैठते हैं और वो जो हथौड़ा है सर्कल की तरह यहाँ पर रोटेट करता है। इसमें भाई साहब बहुत ही डर लगता है और इसमें बेल्ट वगैरह बांध दी जाती है अच्छे से, क्योंकि ये जब रोटेट करता है तो इसको बीच में रोक दिया जाता है ऊपर की साइड यूँ, मतलब भाई साहब परपेंडिकुलर यहाँ पर ये रोक देते हैं और बहुत ही डर लगता है इसमें। और इसकी यहाँ पर तैयारी चल रही है, अभी बैक कैमरे से दिखाते हैं यहाँ पर ये लगे हों इसको सेटअप लगाने में। गाइज नुमाइश के अंदर जो है यहाँ पर दो ही सर्कस लगाए गए हैं और दो ही, और गाइज यार यहाँ पर जो है नुमाइश के अंदर जैसे कि आप सभी को पता है कि एंजॉयमेंट के साथ साथ यहाँ पर खाने का भी इंतज़ाम किया जाता है। तो यहाँ पर जो है एक पीछे की साइड बड़ा रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर हर तरीके के आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप लोग यहाँ पर मतलब फ्री टाइम में खाना वगैरह खा सकते हो और भूख लगे तो भी खाना खा सकते हो, भूख लगेगी तो ही खाना खाना है। ओके, और पीछे की साइड देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बड़ा वाला रेस्टोरेंट है और छोटे छोटे भी लगे हुए हैं, सस्ते महंगे हर तरीके के आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट मिलेंगे। कुछ कहना है भाई? कुछ नहीं कहना इसको। ओके, मैं आपको एक बारी बैक कैमरे से दिखा देता हूँ और चलते हैं फिर आगे की तरफ, इसके अंदर क्या क्या है। गाइज यार मैंने जो अभी ये जो आपको दुकान दिखाई थी, जो दोनों तरफ यहाँ पर दुकान है, इसके अंदर गिफ्ट की, ज्वेलरी की और बच्चों के खिलौनों की यहाँ पर दुकान रहती है हर बार की तरह। वो मैं आपको जब ये नुमाइश लग जाएगी उसके बाद आपको मैं यहाँ का जो सीन है वो मैं पूरा का पूरा यहाँ पर दिखा दूँगा। ओके, अभी चलते हैं इसके अंदर क्या क्या है वो देखने के लिए। ओके, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचे। तो गाइस यार नुमाइश के अंदर मैं जो खड़ा हूँ यहाँ पर, ये है चौराया नुमाइश का। तो यहाँ पर जो है अभी ये तैयार हो रहा है। तो गाइस यार ये जो है यहाँ पर अभी इसकी जो तैयारी वगैरह चल रही है, लाइट यहाँ पर कम्प्लीटली लगा दिया। ये वही जगह है यहाँ पर जो है आई लव अलीगढ़ का जो लोगो लगा रहता है, तो वो इस बार भी यहाँ पर लोगो लगाया जाएगा हर बार की तरह। अलीगढ़ में कोई भी इवेंट होता है तो उस लोगो को यहाँ पर लगाया जाता है। इसमें पानी वगैरह चलेगा, फुहारा वगैरह चलेगा, तब इसका बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ पर आता है। रुक जाओ भाई, रुक जाओ यार, इतनी गुट्टी गाय को लगा ले तो जल्दी कहाँ है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये जो पीछे खड़े हैं भाई, बार बार मुझसे बोल रहे हैं उधर की दुकान का एक बार ले लो। ओके, तो वीडियो वगैरह कैप्चर कर लो, वो अभी मैं कर लूँगा, मैं इनसे बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ये बहुत ही अच्छा लगता है, इसके अंदर जब लाइट वगैरह जल जाती है और आई लव अलीगढ़ यहाँ पर लिखा जाता है, तो फोटोग्राफी वगैरह मोस्टली यहीं पर की जाती है। ओके, तो अभी मैं जो है इसे आपको एक बारी बैक कैमरे से दिखा देता हूँ और इसको तब देखने में मज़ा आएगा जब यहाँ पर नुमाइश कम्प्लीटली लग जाएगी और लाइट वगैरह यहाँ पर जब जलेंगी। ओके,
कुछ बोलना है ऑडियंस के लिए? दुकानदारों का ये है, कुल मिला के दुकान लगाए ब्लैक में, ब्लैक में कुछ नहीं हुआ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तुमने ब्लैक में पौआ उठा लिया है? उठाते हैं हम तो, डेली उठाते हैं। डेली उठाते हो? हाँ तो फिर ठीक है। क्या दिखाना चाह रहे थे उधर की साइड? यार से मानो दुकान लगाओ अपनी अपनी, बस यही सिस्टम होता है। चलो बढ़िया है। तुम्हारी कोई सी दुकान है क्या? ठेकेदार हो? अरे खुद है यार, दुकानदार आदमी हम। कौन सी दुकान है आपकी? आओ आप। हाँ बताओ। आओ बताओ। तो गाइस यार इस टाइम जो मैं खड़ा हूँ वो खड़ा हूँ गीतांजलि के अंदर। ओके, यहाँ पर जो इसकी डेकोरेशन है वो यहाँ पर मोस्टली कंप्लीट हो चुकी है, और चेयर्स वगैरह का जो सेटअप है वो भी यहाँ पर कम्प्लीटली लगाया जा चुका है। अभी पेंट वगैरह का काम अभी यहाँ पर बाकी है। तो ये जो स्टेज है आप सभी को पता होगी वो किस लिए यहाँ पर यूज की जाती है। लाइव इवेंट यहाँ पर कराए जाते हैं, सिंगिंग डांसिंग वगैरह, और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज यहाँ पर हस्तियाँ आती हैं मुंबई की और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की यहाँ पर हस्तियाँ यहाँ पर आती हैं। ये दिख रहे हैं ये जाली, इनको तोड़ तोड़ के बच्चे अंदर आते हैं। इतनी मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है हर बार की तरह, और इसमें जो पब्लिक टूट पड़ती है ये बल्ली फल्ली भी तोड़ देती है। गाइस यार इसके जो है गीतांजलि के यहाँ पर अलीगढ़ महोत्सव के जो यहाँ पर जो पासिंग गेट है वो यहाँ पर दो गेट बनाए गए हैं। एक जो है वीआईपी के लिए रहता है, और दूसरा जो गेट है यहाँ पर आम पब्लिक के लिए, वो यहाँ से एंट्री ले सकते हैं अभी यहाँ पर। और इसकी जो अभी और तैयारियाँ चल रही हैं, अभी यहाँ मट्टी डाली जा रही है, ये सभी भाई लोग यहाँ पर मट्टी डाल रहे हैं इसके अंदर ताकि उसको साफ वगैरह किया जाए और आराम से यहाँ पर चेयर्स वगैरह डाली जाए। ओके तो अभी चलते हैं आगे की साइड और आपको बहुत कुछ दिखाना है। तो गाइस यार अब मैं जो खड़ा हूँ वो उस जगह पर हूँ, देख सकते हो पीछे की साइड, ये कौन सी जगह होगी आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। इसके अंदर भरा जाएगा अभी पानी, ये जो है अभी यहाँ पर सूखा है, और इसके अंदर पानी भरने के बाद यहाँ पर जो है नाव इसमें रखी जाती हैं 8-10 के करीब, और उसमें मतलब हम जो है नाव पर झूल सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही मज़ा आता है नाव में झूलने पर। मैं जो है इस बार यहाँ पर आऊँगा और नाव में झूल के ब्लॉग भी बनाऊँगा, और जो इसके मतलब चारों ओर जो यहाँ पर रास्ता बना हुआ है वो इसलिए बना हुआ है, यहाँ पर जो है ऊँट के ऊपर सवारी की जाती है। ओके तो यहाँ पर जो है चारों ओर ऊँट की सवारी की जाती है, उस पर बैठकर हम यहाँ पर चारों तरफ नज़ारा जो है यहाँ पर देखते हैं। ओके और यहाँ पर जो है अभी झूले वगैरह भी लगाए जा रहे हैं। ओ भाई भेलपूरी ले आया, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, मैं पहले भेलपूरी खा लूँ। ओके गाइस पानी भरकर यहाँ पर नाव चलाई जाती है, अभी मैं उसके अंदर घूम रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन बाद मैं इसमें घूम नहीं पाऊँगा। हाँ ये है कि नाव के अंदर अगर मैं बैठ जाऊँगा तो इसमें घूम पाऊँगा आराम से। और यहाँ पर जो है ये एक दो पॉइंट बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए, मैं आपको बता दूँ, यदि आप नाव में झूलते हो तो यहाँ पर आप बीच में आकर इसके ऊपर खड़े होकर यहाँ पर चारों तरफ पानी रहेगा, और चारों ओर यहाँ पर जितनी भी जगह है वो लाइट से भरी होगी यहाँ पर, तो आप यहाँ खड़े होकर सेल्फी वगैरह ले सकते हो और छोटी छोटी क्लिप्स वगैरह यहाँ पर निकाल सकते हो। तो वो इंजॉयमेंट के लिए ये जो बना गया पॉइंट जिसके मैं अभी खड़ा हूँ। ओके गाइस तो यार बहुत ही अच्छा लग रहा है आकर। बाकी यार जब नुमाइश लग जाएगी अच्छी तरीके से, उसका उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद भी यहाँ पर फुल इंजॉयमेंट लेंगे नुमाइश का, और आपको भी इंजॉय कराएंगे इस बार ब्लॉग में। ओके